हेलो हेलो सो यस टुडे वी आर मेकिंग आपके बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे ना मैम केक सिकल्स की क्लास कराओ, भैया क्लास नहीं करो आ जाओ यूट्यूब पे हम आपको सिखा देते हैं। सो आर यू गाइस रेडी टू लर्न अबाउट केक सिकल्स? यस, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, काफी क्विक है और उसके ऊपर बहुत अच्छी यूनिक डिजाइन भी हो सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे केक सिकल्स। ये हमने ले लिया केक स्पॉन्ज। केक स्पॉन्ज की रेसिपी मैंने मेरी पिछली YouTube वीडियो में बताई थी, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक टैग कर दूंगी, आप जाके वहाँ पर इससे स्पॉन्ज की रेसिपी देख सकते हैं। ये है हमारा गनाच, इसकी रेसिपी भी मैंने उसी वीडियो में सिखाई है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाला है, आप जाके गनाच की रेसिपी बना सकते हैं वहीं से। एंड ट्रस्ट मी, दिस गनाच इज सो यम एंड स्टेबल, कैन यू सी इट्स अ स्टेबल गनाच, दिस इज सुपर्ब, सो जरूर ट्राई करना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। ये हमने ऐड कर दिया हमारा गनाच इन आवर केक सिकल्स और इसको अब हम हमारे घर में जैसे रोटी के लिए आटा बनाते बिल्कुल गूंद गूंद के इस ऐसे ही कर लेना है। क्रम्स एंड गनाच को अच्छे से नीडिंग करनी है, साथ में प्रॉपर एक डो जैसा रेडी कर लेना है, बिल्कुल रोटी के आटे की तरह गूंद लेना है इसको। कैन यू सी अभी कैसा हो चुका है? ये हमारा डो इज रेडी। कैन यू सी टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है? टेक्सचर सही है। ये हमारा डो रेडी हो चुका है। बेसिकली हमारी केक सिकल की स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर की कोटिंग एंड डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। तो इसको हम साइड कर देंगे, तब तक आप चाहिए तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा स्टेबल हो जाए और थोड़ा सा ड्राई रहेगा ना टेक्सचर, तो फिल करने इजी रहेगा, ठीक है। तब तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे एंड लेट्स प्रिपेयर, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन मोल्ड है जो कि केक सिकल का मोल्ड रहता है वो, ठीक है। तो ये हमने ले लिया व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके। व्हाइट चॉकलेट बेसिकली सारों का मैक्सिमम फेल ये आता है कि वो व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करते हैं, लेकिन उनकी व्हाइट चॉकलेट हमेशा सीज्ड हो जाती है। और सीज्ड होने का आपको रीजन पता है, चाहे आप डबल बॉयलर पे मेल्ट करो चाहे आप ओवन में मेल्ट करो। डबल बॉयलर पे मेल्ट कर रहे हो तो पहली चीज कोई भी चॉकलेट मेल्ट करते हो ध्यान में रखो चॉकलेट के बाउल में और आपके वाटर में हमेशा डिस्टेंस रहना चाहिए, नीचे का पानी आपके ऊपर के बाउल पे नहीं टच होना चाहिए, जिसकी स्टीम की वजह से चॉकलेट सीज होती है। सेकंड प्रॉब्लम, चाहे माइक्रोवेव हो या फिर डबल बॉयलर हो, आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हो, 1 मिनट मेल्ट करो, फिर बाउल को हीट से हटा दो, फिर घुमाओ, थोड़ी देर इंटरवल दो, फिर मेल्ट करने रखो, फिर घुमाओ, ऐसे 2 या 3 इंटरवल देंगे। बार बार थोड़ी देर के लिए हीटिंग पे से बाउल हटाना है, माइक्रोवेव में बाउल को बाहर निकालना है, फिर मिक्स करना है ताकि आपकी चॉकलेट सीज ना हो और अच्छे वे से मेल्ट हो जाए। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाइट चॉकलेट में कलर डालना है, बट हम जब भी कलर डालते हैं हमारी व्हाइट चॉकलेट सीज हो जाती है। क्या आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम होता है? आई नो, रीजन आप कोई भी कलर उठा के नहीं डाल सकते व्हाइट चॉकलेट में। इफ यू आर एडिंग एनी काइंड ऑफ कलर इन योर व्हाइट चॉकलेट और एनी बेसिकली व्हाइट चॉकलेट में ही कलर डालोगे, सो बेसिकली आपको कौन सा कलर लेना है? हमेशा कैंडी कलर्स, चाहे वो पाउडर बेस हो चाहे वो जेल बेस हो, बट ऑलवेज गो विद द कैंडी कलर्स। सो बेसिकली जो जेल बेस कैंडी कलर्स होते हैं ना वो ऑयल वाले रहते हैं, अगर आप चॉकलेट में वाटर बेस कलर डालोगे तो आपकी चॉकलेट सीज्ड हो जाएगी, और अगर आप पाउडर कैंडी कलर डालो या जेल बेस कैंडी कलर डालो तो आपकी चॉकलेट स्मूथ रहेंगी, शाइनी रहेंगी और सीज नहीं होंगी। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर केक सिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने चॉकलेट मेल्ट कर ली है, लेट्स स्टार्ट फिलिंग इट। हम पहले फर्स्ट कोट देंगे हमारे केक सिकल्स को और इसको हम फ्रिज में फर्स्ट कोटिंग को जमाएंगे। ऐसे हम पहले 2 से 3 कोटिंग देके इसको अच्छे से जमाने रखेंगे, ठीक है। ये हमने दे दी हमारी फर्स्ट कोटिंग, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ये डन विद दिस। ये हमने इसको ऐसे टैप कर लेंगे एंड व्हाट विल डू इज इस तरीके से एक्सेस चॉकलेट रिमूव कर लें। इफ यू हैव केक स्क्रैपर, दिस चॉकलेट स्क्रैपर ये यूज कीजिए, अगर आपके पास नहीं है आप नॉर्मल पैलेट नाइफ से भी ये कर सकते हैं। सारी एक्सेस चॉकलेट निकाल लेते हैं। अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में फॉर 5 मिनट। डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है। फिर हम इसके अंदर एक और कोट देंगे, ठीक है। एक 5 मिनट हम ठंडा करके इसको फिर से रिमूव करते हैं फ्रिज से। अरे वेट, फ्रिज में डालने से पहले एक इम्पोर्टेंट स्टेप, कम क्लोजर आई शो यू। फ्रिज में डालने से पहले जो केक सिकल के यहाँ जो होल्स रहते हैं ना उसको पहले ना उधर चॉकलेट्स को हटा लेना है स्टिक से, ताकि हम हमारे स्टिक को प्लेसमेंट कर सके, वरना चॉकलेट से वॉल क्रिएट हो जाएंगी वहाँ, ठीक है। हमें फ्रिज में डालने से पहले ये इम्पोर्टेंट स्टेप है जो करना है, ठीक है। अब हम इसको प्लेस करेंगे फ्रिज में। चलिए, इसको हमने अच्छे से 3 कोट कर लिया है, आप इसको 2 से 3 कोट करना। अगर आपको 2 कोट में लगे इट्स मच मोर इनफ, देन यू कैन डू 2 कोट। अगर आपको लगे काफी पतला सा लेयर है देन गो फॉर 3 कोटिंग्स, ठीक है। सो हमारी ये तो डन हो चुकी है। ये हमारे केक स्पॉन्ज जो हमने गनाच मिला के रखा था, लेट्स फिल इन दिस, ठीक है। अब इसको हम अंदर फिल कर देंगे। हमने इस बारे में फिल कर लिया। तो नाउ विल गिव अ टॉप कोटिंग विद व्हाइट चॉकलेट। चलिए हम इसको एक कोटिंग देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। लास्ट टाइम की तरह हम इसको सेकेंड कोटिंग देंगे एंड हम फिर से ठंडा करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम इसको साइड से एक्स्ट्रा चॉकलेट सारी इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, एंड इफ यू वांट, अगर आप केयरफुली निकाल रहे हो यू कैन पुट स्टिक नाउ, और अगर आप अभी स्टिक ना भी डालो तो जस्ट मेक अ होल फॉर द स्टिक। इस तरीके से आप होल बना लो स्टिक के लिए, यू कैन Easily put it later। हमने यहाँ होल बना लिया, हमने यहाँ होल बना लिया, हमने यहाँ भी होल बना लिया। So now we are doing second coating। तो चलिए let's make our decorations। ये हमने व्हाइट चॉकलेट ले लिए, इसमें हम कैंडी कलर डालेंगे जो कि पाउडर कलर है। आप जेल कलर भी कैंडी वाला ले सकते हैं। आपको डार्क पिंक करना, लाइट करना, उस मुताबिक कलर डालिए। आई एम मेकिंग लिटिल डार्कर पिंक। ठीक है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा शेडिंग देना है ना साइड पे, थोड़ा डार्कर होगा तो प्यारा लगेगा। बिकॉज वैसे ही हमारी केक सिकल्स कलरफुल नहीं है, व्हाइट है इसके लिए। और मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स भी लिए। ये हमारा व्हाइट चॉकलेट कलरफुल रेडी है। चलिए लेट्स स्टार्ट डीमोल्डिंग आवर केक सिकल्स। ये देखिए कितना प्रिटी प्रिटी आ रहा है बाहर, कितना नीट है टॉप। डोंट वरी, हम इसके अंदर स्टिक्स ऐड करने वाले हैं। अब ऐसे मुंह नहीं देखिए कि केक सिकल के अंदर स्टिक्स ही नहीं है, वो अब हम अभी ऐड करेंगे ताकि ये ऐसे इजी डीमोल्ड कर पाए। सो हमने इस तरीके से, कैन यू सी, सारी डीमोल्ड कर ली है। सो अब हम हमारी स्टिक्स को इंसर्ट कर देंगे केक सिकल में। कैन यू सी, इट्स सो इजी एंड स्टेबल ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही स्टिक डालो तो स्टेबल होगा। कैन यू सी, इट्स सो मच स्टेबल। यस, इट्स इजी टू हैंडल। तो आप इस तरीके से करोगे तो नीट फिनिश भी आएगा, निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इट्स सो क्यूट ना। चलिए डेकोरेशन करते हैं। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन पार्ट। हम हमारी व्हाइट चॉकलेट को फिल कर लेंगे पैपिंग बैग में। नाउ वी कैन डू द थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हम साइड पर डिजाइन करेंगे। ठीक है, we are done and just look at this cake sickles, they look so pretty and a pyari see, just look at this। and yes, best part क्या है पता, आप इसके अंदर different different theme create कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी pink color डाला, आप 4-5 different colors डालिए, rainbow theme like a unicorn बनाइए। so बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, theme parties के लिए different different colors की, जैसे baby boss है तो आप इसके ऊपर blue topping कीजिए, पूरी blue color की ही cake sickles बनाइए, ऊपर black color के गनाज से सिर्फ topping कर दीजिए या black chocolate से। so basically इसका look और प्यारा आता है। so आप अपने हिसाब से party के arrangement के हिसाब से, theme के हिसाब से different different colors भी बना सकते हैं। and it's super quick and best part पता है क्या, इसके अंदर गनाज हमारे जो रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, वो इतनी स्टेबल है कि आप इसको बना के 24 आवर विदाउट फ्रिज भी इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना, ये खराब नहीं होंगे केक सिकल। बेस्ट पार्ट है ना ये। सो बनाइए अपने बच्चों के लिए।